ठीक है। हम वहाँ मिस्टर मल्होत्रा के ट्रीटमेंट के बारे में बात करने गए थे। मिसेस मल्होत्रा को मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं उनके साथ चली गई थी। और कल मिस्टर मल्होत्रा को वहाँ भर्ती कर देंगे। क्या मिस्टर मल्होत्रा की इतनी हालत खराब हो गई है, क्यों उन्हें एक पागलखाने में भर्ती करना पड़ेगा? मिसेस मल्होत्रा चाहती हैं कि उनके पति का इलाज वहीं पर हो। क्या मिस्टर मल्होत्रा बहुत ही वायलेंट हो गए हैं? जी, अभी तक ऐसे कोई सिम्टम्स दिखाए नहीं है उन्होंने। तो फिर उन्हें घर पर रखकर इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? सिस्टर, कुछ साल पहले मैं एक असालन से जुड़ा हुआ था, वहाँ उन्हीं को भर्ती किया जाता है जो दूसरों को चोट पहुँचाने की हालत में हो। हाँ, ये बताया था डॉक्टर ने मिसेस मल्होत्रा को, पर वो मानी नहीं। बहुत बड़ी गलती कर रही है मिसेस मल्होत्रा। सिस्टर, इससे मिस्टर मल्होत्रा को और नुकसान पहुंच सकता है, उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। अकेले में उन्हें मनोविज्ञान हॉस्पिटल में रखना ठीक नहीं है। ऐसे में इलाज जो अपने कर सकते हैं वो तो दूसरे लोग नहीं कर सकते। आपकी बात ठीक है फादर, पर मिसेस मल्होत्रा का ऐसा सोचना नहीं है। एक्सक्यूज मी फादर। मिसेस मल्होत्रा, मुझे सिस्टर मारिया से मिस्टर मल्होत्रा की हालत के बारे में पता चला। उनकी ये हालत आपकी बदौलत है। आप लोगों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया और इतने बेशरम हैं कि अब तमाशा देखने भी आ गए हैं। भरोसा नहीं था सिस्टर मारिया की बात पर, जो खुद अपनी आंखों से अपनी कामयाबी का नजारा देखने भी आ गए। It's not like that, Mrs. Malhotra. आप एक बार, सिर्फ एक बार हमें समझने की कोशिश कीजिए। मिस्टर मल्होत्रा की ये हालत हमारी नाकामयाबी का सबूत है, मैं मानता हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि उनका इलाज। वाह, क्या इंसान है आप, खुद रोक देते हैं और फिर इलाज की बात करते हैं। अब क्या बचा है इलाज करने के लिए? आपके पति ठीक हो जाए, यही चाहता हूँ। बकवास कर रहे हैं आप, झूठी हमदर्दी दिखा रहे हैं आप। मेरे पति के मन में जहर भर दिया आपने, उन्हें मजबूर कर दिया है अपने ही परिवार से नफरत करने के लिए। मेरा घर तोड़ दिया आपने, एक बच्चे से उसका बचपन छीन लिया आपने, एक पत्नी को अपने पति से अलग कर दिया आपने, उस आदमी को पागल बना दिया जिसने पागलपन की हद तक आप पर भरोसा किया था। अपनी ये बेकार की बातें करके आप। मिसेस मल्होत्रा, मुझे कुछ बातों का अफसोस है। मैं जानता था कि मैं यहां आऊंगा तो आप हमेशा की तरह मुझ पर बरस पड़ेंगी, फिर भी मैंने बड़ी उम्मीद से अपने कदम आपकी दहलीज पर रखे हैं। अफसोस इसी बात का है कि जब से आपने अपने कदम इस घर में रखे हैं, मेरा घर धीरे धीरे बर्बाद होता गया है। न आप इस घर में आते, न आज मुझे ये दिन देखना पड़ता। अब प्लीज चले जाइए यहाँ से और वापस इस घर में कभी मत आइएगा। प्लीज मिसेस मल्होत्रा, मैं मिस्टर मल्होत्रा की मदद करना चाहता हूँ। नहीं चाहिए हमें आपकी मदद। आप बचाई क्या है जिसे आप मिटाना चाहते हैं? मेहरबानी करके चले जाइए यहाँ से, हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए। आप कुछ पल के लिए नाराजगी छोड़कर मेरी बात पर गौर करें। प्लीज मिसेस मल्होत्रा, प्लीज गो, लीव।